हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। सो गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक सर आज लाइव आए थे, ठीक है। तो उस लाइव इंटरेक्शन में उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और वो ये है कि आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जैसे नीट हो गया, ओके, उसका जो अब पैटर्न रहेगा वो रिड्यूस सिलेबस से होगा। मतलब आपको पता है कि जो कोविड के चलते हमारा जो सिलेबस था वो रिड्यूस कर दिया गया था। तो वहां पे बच्चे ने पूछा कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो उसमें जो पैटर्न रहेगा वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा या पहले के अकॉर्डिंग रहेगा। तो उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा, ओके, यहां पे पढ़ सकते हैं, व्हाइल इंटरेक्टिंग विद द टीचर्स एंड द स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय टुडे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक इन द लाइव वेबिनार अनाउंसेस दैट द स्टूडेंट विल बी आस्क्ड क्वेश्चन इन द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिवाइज सिलेबस। द एजुकेशन मिनिस्टर फर्दर सेड दैट इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट जैसे कि जेईई मेन 2021 and medical entrance test NEET 2021 will also be held on the basis of the reduced syllabus। मतलब कि जो reduced syllabus, revised जो syllabus है आपका, पर reduced syllabus है, उसी में से ही आपका examination pattern conduct होगा। मतलब जो आपका question paper बनेगा वो reduced syllabus से ही बनेगा। मतलब देखो, पहली बात तो ये है कि चलो ठीक है, उन्होंने रिड्यूस कर दिया। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट आपको मेरे ख्याल से ये इस हफ्ते आप लोगों को सारी चीजें डिक्लेयर हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो जरूर लाइव आएंगे अब और आप लोगों को डेट के साथ साथ पूरा पैटर्न क्या क्या रहेगा, किस क्या क्या प्रोस्पेक्ट रहेंगे, सारी चीजें डिटेल में बता देंगे। तो जब भी वो लाइव आते हैं कुछ भी है, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बट ये बात आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, कि आप लोगों के एजुकेशन मिनिस्टर ने आज कहा है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा जैसे नीट हो गया या जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसका भी पैटर्न आप लोगों का रिड्यूस सिलेबस से ही आएगा। मतलब अब जो रिड्यूस सिलेबस है आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों का एग्जामिनेशन सेट करा जाएगा, ठीक है, ओके। द एजुकेशन बोर्ड इंक्लूडिंग द सीबीएसई एंड सेवरल स्टेट बोर्ड हैड रिड्यूस, क्योंकि आपको पता है कि जो एजुकेशन बोर्ड है जैसे सीबीएसई होगा, स्टेट बोर्ड, उन्होंने अपना सिलेबस 10th और 12th तक का, ठीक है, वो रिड्यूस कर दिया था, ओके, क्योंकि आपको पता है कोविड के चक्कर में लॉकडाउन था और बहुत सारी चीजें, पैंडेमिक अटैक था, तो इसके चक्कर में पूरा जो सिलेबस था वो रिड्यूस कर दिया गया था। तो इसीलिए आपका जो नीट 2021 और जेईई 2021 के सिलेबस है वो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा। मतलब उसी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, ओके। तो फिलहाल ये तो रही बात, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखो, या तो आज वेबिनार था उसमें उन्होंने ये चीज डिक्लेयर कर दी है, बट अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने में मुझे लगता है 7-8, 6-7 दिन में आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएंगी। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि एक बार ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई ना, उसके बाद पता नहीं चलना कि डेट कब आ जानी है, ओके। तो मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल पोस्टपोन भी होता है, ओके, पता नहीं चलेगा आप लोगों को कब आपका पोस्टपोन्ड डेट भी आ जाएगी और आपका एग्जामिनेशन आ जाएगा। तो अपने आप को गियर अप कर लो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। और आप लोगों को बता दूं कि हम लोग रोज स्पेशल क्लास लगाते हैं, अगर आप लोग चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी पे बायोलॉजी के हम लोग बहुत सारे टेस्ट चैप्टर वाइज कंडक्ट करा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि पूरे दिन कराते हैं, पूरी रात को आप पूरा दिन अपना पढ़िए। रात को 11 बजे हम लोगों की रोज स्पेशल क्लास रहती है, जिसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हैं। आज भी जैसे हम लोगों का मिनरल न्यूट्रिशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्लास का लिंक पे क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़िए और मेहनत कीजिए, और चाहो तो आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हो। जब क्लास अटेंड करोगे आपसे इनविटेशन कोड मांगेगा, अविरल ब्लॉग्स डाल देना, आप लोग क्लास में आ जाएंगे, ठीक है, टेस्ट देने आ जाए, ठीक है। तो ये अपडेट थी, बाकी आगे कोई भी अपडेट आती है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।